तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबाऊंगा, मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ऑफिशियली कंप्लीट हो जाएगा। सो हे गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू फनबुक गेमिंग। आज वाली वीडियो में मैं आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि आपको BGIS में कैसे रजिस्टर करना है और आपको क्या क्या चीजें लगेंगी BGIS में रजिस्टर करने के लिए। तो वीडियो में पूरा बना रहना, वरना आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम दिक्कत हो सकती है अगर आपके पास एक कोई डॉक्यूमेंट ना रहा तो। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। उसके पहले मैं एक छोटा सा चीज बोलना चाहूंगा आप लोग को कि मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो चलाना चालू कर दिया है BGIS के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे टीम्स फर्स्ट टाइम खेल रहे होंगे लाइक कॉम्पिटिटिव सिनेरियो, या फिर आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक खेल रहे होंगे, या फिर अगर आप डेली में खेलते भी हो तो मैंने जो मिस्टेक्स पॉइंट आउट की है इस वीडियो में, ऐसे ऐसे तो मिस्टेक्स आपकी स्क्वाड करती ही होगी। तो मेक श्योर आप ऐसे वाली वीडियोज एक बार चेकआउट कर ले ताकि आपका गेम प्ले इंप्रूव हो और आप BGIS में अच्छे से परफॉर्म कर सके। और बता दूं कि मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियो चलाने वाला हूं, जैसे कि अपना अगला वीडियो रहने वाला है हाउ टू सेलेक्ट योर ड्रॉप लोकेशन, क्योंकि यार बहुत सारे लाइक बिगनर टीम्स को पता ही नहीं होता है कि ड्रॉप लोकेशन सेलेक्ट करते वक्त कौन से पॉइंट्स उनको ध्यान में रखने चाहिए। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना। अपन चलते हैं वीडियो की तरफ। तो देखो BGIS में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या लगेंगे अपन वो भी डिस्कस कर लेंगे। उसके पहले अपन छोटे से लाइक टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे लाइक पिछले व्यूवर्स को डाउट था कि भाई एज ग्रुप क्या रहने वाली है, लाइक क्या एज क्या रहना चाहिए आपको BGIS में रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो मैं बता दूं आपको मिनिमम 16 ईयर्स का रहना पड़ेगा ताकि आप BGIS रजिस्टर कर सको और उसको खेल सको। तो अगर आप बिलो 16 हो तो यार मत करो, क्योंकि आपका होगा नहीं, क्योंकि आपको वहाँ पे आधार कार्ड देना पड़ता है आपका, अपने PM, उसका जितना भी प्रोसेस होने वाला है BGIS का, इट्स गोना बी सेम लाइक PMIS। जैसे PUBG मोबाइल इंडिया सीरीज़ के लिए अपन को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, सेम वे में अपन को BGIS के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन देख सकते हैं कि इसका जो टूर्नामेंट का रोड मैप है वो भी एकदम सेम है PMIS के तरफ से। और भाई हर चीज़ सेम ही रहने वाली है, क्योंकि ओवरऑल एक उनका जो इकोसिस्टम है वो तो सेम ही रहने वाला है क्राफ्टन का। PMIS का भी इकोसिस्टम क्राफ्टन का ही था, BGIS का भी इकोसिस्टम क्राफ्टन का ही रहने वाला है, सो इट्स गोइंग टू बी द सेम थिंग। तो देखो यू हैव टू बी मिनिमम 16 ईयर्स ओल्ड। और एक क्वेश्चन था कि भाई ये टूर्नामेंट फ्री है क्या, तो मैं बता दूं हाँ ये टूर्नामेंट फ्री होने वाला है, पर आप लोगों को स्क्वाड के साथ ही खेलना पड़ेगा, आप ये टूर्नामेंट सोलो में नहीं खेल सकते हो। तो अब अपन चलते हैं भाई कि कौन से चीज़ लगेंगे अपन को ये टूर्नामेंट खेलने के लिए, लाइक रजिस्ट्रेशन कैसा करना है। तो फिलहाल अपन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा जो कि उनकी ईस्पोर्ट्स की साइट है, इसका आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी फिलहाल यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अपन को यहाँ पे कोई भी लाइक रजिस्टर नाउ का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि ये ऑप्शन आपको 19th के बाद ही आएगा। फिलहाल यहाँ पे कमिंग सून का ऑप्शन आ रहा है, 19th जैसे ही लग जाएगी वो दिन आपको यहाँ पे रजिस्टर नाउ का ऑप्शन आएगा। रजिस्टर नाउ आते ही आपको कुछ ऐसा वाला इंटरफेस देखने को मिलेगा। अभी जो आप आपके स्क्रीन पे देख रहे हो ये इंटरफेस है PMIS का। PMIS 2020 में रजिस्ट्रेशन अपन ने ऐसे किए थे और सेम टाइप के रजिस्ट्रेशन होने वाले BGIS में भी। सो आप एक बार अच्छे से ध्यान दे देना कैसे कर रहा हूँ बोल के मैं रजिस्ट्रेशन। अपन को यार अपन रजिस्ट्रेशन तो आप लोग वो टाइम कर ही लोगे, उतना कुछ डिफिकल्ट पार्ट नहीं। अपन देख लेते हैं भाई आपको कौन से डिटेल्स लगने वाले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो आपको देखो सबसे पहले आपका एक टीम नेम चाहिए, फिर भाई टीम ओनर चाहिए। अब अगर आपके पास टीम ओनर नहीं है, मतलब आप दोस्त मिलके खेल रहे हो, जो टीम का कैप्टन है उसका नाम ही आपको टीम ओनर के जगह डाल देना है। फिर आपको एक टीम लोगो भी चाहिए, तो यार फटाफट आपका लोगो रेडी कर लो और लोगो आपको वो टाइम अपलोड करना पड़ेगा वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर। फिर आपको अपने सबसे लाइक रजिस्ट्रेशन के टाइम सबसे पहले टीम ओनर का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जो भी आपका लाइक टीम का हेड होगा उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और फिर आपको बाकी के 3 प्लेयर्स का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मेरे हिसाब से ये वाले टूर्नामेंट भी एक 4 प्लेयर रोस्टर रहने वाला है, क्योंकि PMIS भी एक 4 प्लेयर रोस्टर था। अभी ये चीज़ के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, देखते हैं फ्यूचर अपडेट्स क्या मालूम पड़ता है। 90% चांसेस तो ये है कि ये भी एक 4 मैन रोस्टर रहने वाला, तो आपकी स्क्वाड भी आप 4 मैन की ही बनाना रादर दैन 5 मैन रोस्टर। अभी और चलते हैं बाकी के क्या क्या चीज़ें लगने वाली है बोल तो अपन को। आपको आपके एड्रेस लगने वाले, फ़ोन नंबर लगने वाले, आपको ईमेल आईडीज लगने वाली है चारों प्लेयर की, और चारों प्लेयर का आधार कार्ड डिटेल्स चाहिए, लाइक आधार कार्ड नंबर लगेगा चारों प्लेयर का,
विद अ फोटो, आधार कार्ड का फोटो भी लगेगा और आधार कार्ड भी लगेगा आपका। तो ये सारी डिटेल्स लगेंगी आपको रजिस्ट्रेशन के लिए। 19 से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आप बैकग्राउंड में देख ही सकते हो कि मैं भी रजिस्ट्रेशन कर रहा था PM IS 2020 के लिए। सेम टाइप के रजिस्ट्रेशन रहने वाले, ईजी रहने वाला है रजिस्टर करना। और जैसे ही 19 के टाइम रजिस्ट्रेशन ऑन एयर हो जाएंगे, मैं वो टाइम एक इन डिटेल वीडियो भी बना दूंगा आप लोग के लिए कि आप लोग वो टाइम प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो BGIS में। तो आज के लिए ये वीडियो में इतना ही था। आप मेक श्योर आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि कोई अगर आपका दोस्त भी रजिस्टर कर रहा है तो उसको कोई कंफ्यूजन ना हो और गलत वाला रजिस्ट्रेशन ना हो जाए। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और आप लोग काम जो मैं जा रहा हूँ तो आप लोग जाके वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चेकआउट करो जल्दी एकदम फटाफट।